हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूट्यूब पे ये जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग पॉलिटेक्निक के जितने सेमेस्टर होते हैं सबकी बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आज एक नए सब्जेक्ट नए ब्रांच के साथ आ चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आज हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप सब ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर मेंशन किया गया है कि जो वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ज़्यादा जरूरी होने वाली है। अब थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ज़्यादा जरूरी क्यों होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिविल सॉरी जो इलेक्ट्रिकल होता है उसका थर्ड ब्रांच का एक सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, इसको हम सही कर देते हैं अभी। तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैथ थर्ड रहेगा, इसको यहाँ पे आप लोग थर्ड बना लीजिएगा। ये ठीक है, थर्ड रहेगा, मैथ थर्ड रहेगा, इसको हम बना देते हैं एक बार। मैथ थर्ड ये बन जाए, हाँ देखिए मैथ थर्ड हो गया। ठीक, तो इसमें बात करें तो बेसिक सबसे पहले तो ये जो वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए होने वाली है, जो कि अभी सेकेंड ईयर में गए हैं और जिनका थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग आप लोगों की बुक की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बुक आप लोग जाकर मार्केट से खरीदते हैं 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, तो उस बुक को क्या करते हैं कि हम लोग पहले से खरीद के उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को बुक पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन उपलब्ध करा देते हैं, जिससे आप लोगों को बार बार बुक के ना खरीदनी पड़े। क्योंकि एक अगर बुक खरीदने जाएंगे तो एक सेमेस्टर लगभग 2 3 3 महीने का होता है, 3 महीने के लिए आप लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक, तो ये हो जाता है। अब बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त गणित थर्ड। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है अनुप्रयुक्त गणित थर्ड। ठीक, अब बात करें कि बुक की पीडीएफ हम आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो जो बुक होगी ये लेटेस्ट सिलेबस की होने वाली है। ये लोग याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट सिलेबस पे डिपेंड है। बीटीयूपी के सिलेबस 2019 में जो आप लोग का मॉडिफिकेशन हुआ था, उसके बाद से बीटीयूपी ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो उसी सिलेबस को आधार मानकर 2021 के पब्लिशर की बुक हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। आप लोगों की कैसे फ्री होने वाली है, बिल्कुल फ्री होने वाली है। और बात करें तो ये हिंदी और लैंग्वेज सॉरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक होने वाली है। ठीक, ये हो गई हमारी बात की इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो, ये इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की बुक की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, सर आप बुक की पीडीएफ तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हमको पीडीएफ मिलेगी कहाँ। ठीक, उनका क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप तो प्रोवाइड कर देंगे लेकिन हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो उसका उसका भी उपाय करके लाए हैं कि आप लोगों को बताते हैं। ठीक, बताते हैं हम लोग कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं इसको, कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुन लीजिए कि सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद आप लोगों में एक ऑप्शन दिखने लगेगा, जैसे ही आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लोगों को एक लिंक दिखेगी। ठीक, एक क्या होगी, एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल टैप करना है। जैसे ही उस लिंक पे आप टैप करेंगे तो लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी या नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोगों से एक 3 से 4 अंक का एक कोड मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, 3 से 4 अंक का एक कोड मांगा जाएगा। सबसे पहले हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक पे टाइप करेंगे, जैसे लिंक पे टाइप करेंगे 3 4 अंक का एक कोड मांगेगा, जिसको पासवर्ड हम लोग बोलते हैं। तो पासवर्ड मांगेगा, जैसे ही आप वहां पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालते ही आप लोगों के सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज कैसे खुल के आ जाएगा, नया पेज इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे आप लोग को दो नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप लोग को बुक दिखने लगेगी। बुक दिखने का क्या मतलब है कि ऐसे आप लोग का सेम टू, देखिए मान लीजिए हम लोग की होगी हिंदी मीडियम की बुक और यहाँ पे होगी इंग्लिश मीडियम की बुक, ये दोनों अलग अलग मीडियम की बुक रहेगी। ठीक, तो ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम। आप लोग को क्या करना है कि बुक को डाउनलोड करने के लिए या तो इनके नीचे डाउनलोड का ऐसे बटन बना रहेगा, ये जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो इसे आप लोग को डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड के बटन पर टैप करके इस वीडियो को डाउन सॉरी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों में क्या होता है कभी कभी कि डाउनलोड का बटन नहीं दिखता है, तो आप लोग क्या करना है, जो बुक दिख रही है अगर हिंदी मीडियम की डाउनलोड करनी है तो हिंदी मीडियम वाले पर ऐसे थोड़ा सा टाइप कर दिए, कहीं एक बार सिंगल टाइप करिए, एक बार ऐसे सिंगल टाइप करिए, ज़्यादा नहीं टाइप करना है, एक बार कहीं भी सिंगल टाइप करेंगे तो आप लोग सामने ये पेज हट जाएगा और एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों के बुक की पीडीएफ डाउनलोड होती दिखने लगेगी। अगर डाउनलोड होती बुक की पीडीएफ नहीं दिख रही है तो वहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो पीडीएफ आप लोगों के गैलरी में डाउनलोड होके आ जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस डाउनलोड करने का।
जो हमारे चैनल पर पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि कैसे बुक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो नए वाले बच्चों को हम बता दें कि बुक की पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आप लोगों को एक लिंक दिखेगी जिसके ऊपर लिखा रहेगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या वीडियो देखें। तो उस लिंक पे आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया वीडियो चलने लगेगा यूट्यूब का, जिसमें हमने बताया हुआ है कि आप लोग पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टेप को हमने बहुत ही स्लो मोशन में एकदम धीरे धीरे करके समझाया हुआ है, वहां से आप लोग देख के सीख सकते हैं कि वीडियो को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता है पूरा प्रोसेस। ठीक, अब बहुत से बच्चों को सॉरी बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि सर हम लिंक पे जा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जैसे लिंक पे जाके टाइप कर रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल रहे हैं, वहाँ पे पासवर्ड गलत बता दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग से बात करना चाहेंगे कि इस वीडियो का पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो का पासवर्ड आप लोगों को कहाँ मिलेगा। ठीक, तो देखिए, आप लोग जब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, जैसे आप लोग शुरू से अंत तक पूरा वीडियो कन्फर्म देखेंगे, तो आप लोग को डिस्प्ले पे कहीं पे 3 से 4 अंक का एक कोड दिखा होगा, 3 से 4 अंक का एक कोड दिखा होगा, वही कोड क्या होता है इस वीडियो का, ओ सॉरी पीडीएफ का पासवर्ड है। लिंक पर टैप करने के बाद आप लोग वही कोड डालेंगे, अगर वही कोड आप लोग डालते हैं तो आप लोग सामने नई पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस रहा आप लोग का वीडियो को डाउनलोड करने का। ठीक, ऐसे करने से आप लोगों की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर इस वीडियो से आप लोगों का कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा है। ठीक, और आगे चल के सेमेस्टर में भी, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो 4th, 5th, 6th सेमेस्टर की बुक की पीडीएफ भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं या तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप 3rd सेमेस्टर की बुक की पीडीएफ पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ पर 3rd सेमेस्टर चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो उसकी बुक की पीडीएफ अपलोड करके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इतना काम। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के पीडीएफ के साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि